स्टूडेंट्स सो लाइफ प्रोसेस में हम लोग पार्ट सेवन पे जा रहे हैं और पार्ट सेवन में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन यो वट इज ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्रोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग इज दर्क्यूलेटरी सिस्टम प्लीज रिमेंबर सर्क्यूलेटरी सिस्टम इज दिन ट्रांसपोर्टरी सिस्टम वट है क्या तो इट अच्छा, ये सिस्टम किसकी बनी हुई है तो इस कंसिस्ट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींगीज वेन्स कैपलोरी एंड हार्ट ब्लड क्या है तो ब्लड ट्रांसपोर्ट ब्लड का फंक्शन फूड ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन एंड फेस प्रोडक्ट जो सेल से प्रोड्यूस होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड करता है सो so, हमारी बॉडी में ब्लड ऐसा एक फ्लूड है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है और उसके पीछे मेन वही है कि जो फूड डाइजेस्टेड फूड है जो एब्जॉर्ब फूड है वो एब्जॉर्ब फूड ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाने का काम ब्लड करेगा सिमिलरली ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर ऑक्सीजन एज एज यू नो वेरी वेल हमने पहले देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कि ऑक्सीजन इज फॉर द रेस्पिरेशन और वो भी पहुँचाया जाता है ब्लड के थ्रू और हर सेल वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है जैसे यूरिया है कार्बन डाइऑक्साइड है ना उन सब वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर एलिमिनेट करना पड़ता है और उस एलिमिनेट करने के लिए ब्लड उन सेल से लेके आता है कहाँ पे किडनी में लीवर में और और लंग्स में और इस तरह से वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग वे से जैसे सी है तो लंग्स के थ्रू है और दूसरी जो एक्सटरी मटेरियल्स हैं वो यूरिन के थ्रू ओके बॉडी के बाहर एलिमिनेट किया जाता है ब्लड क्या क्या किसका बना हुआ है तो ब्लड इज मेनली दो पार्ट का बना हुआ है एक है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स राइट सेल्स में थ्री टाइप के सेल्स है यू हैव रिमेंबर आर बी सी दैट इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स्यू बी सी दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स एंड थर्ड वन इज द प्लेटलेट्स यस तो ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स सेल्स में आर बी सी डब्ल्यू बी सी एंड प्लेटलेट्स प्लीज रिमेंबर वॉट इज द रोल ऑफ प्लाज्मा वेरी इंपॉर्टेंट प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड राइट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजीनियस वेस्ट ये सब को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है प्लाज्मा राइट प्लाज्मा साथ साथ में जो ब्लड के अंदर जो आर बी सी है उनका मेन काम क्या है ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन प्लीज रिमेंबर आर बी सी का मेन काम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और ब्लड सेल का और सी ओ टू को लाना भी और ब्लड सेल्स जो हैं वाइट ब्लड से दे कील द हार्मफुल माइक्रोव्स सो हार्मफुल को करने का एंड प्रोटेक्ट द बॉडी इस तरह से वो प्रोटेक्शन का काम करता है द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड प्लेटिलिट्स देल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंज्यूरी सो प्लीज रिमेंबर आपको एग्जाम में इस तरह से पूछ सकते हैं डिफरेंट सेल्स के फंक्शन राइट वाट इज प्लाज्मा एंड वॉट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा एक क्वेश्चन ये आ सकता है प्लाज्मा के ऊपर से और दूसरा क्वेश्चन आ सकता हैल्स के ऊपर राइट वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स सो यू हे टू रिमेम्बर ऑल थ्री काइंड ऑफ सेल्स एंड देयर इम्पोर्टेंस यस अब हम सर्कुलटरी सिस्टम में मेन जो ऑर्गन है उसका नाम है हार्ट राइट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर आस एंड दिस ऑर्गन इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन राइट सो वट इज दैट द हार्ट इज द मस्क्यूलर ऑर्गन विच इज अग एज अवर क्लोज फिस्ट है ना हम हाथ की अंगूठी बंद करते इतनी साइज का वो है और क्या काम करता है विच पम्प द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी राइट यही बॉडी पूरी बॉडी में एक मशीन का काम करता है ब्लड को पहुंचाने का और पहले हमने देखा कि ब्लड एक सर्कुलेटरी फ्लूड है और वही पूरी बॉडी में जो फूड है ऑक्सीजन है हार्मोन्स हैं उन सब को ट्रांसपोर्टेशन के साथ में एसोसिएट है तो ब्लड इज़ इम्पॉर्टेंट कभी कभी हम देते हैं कि पर्सनस को जब ब्लड उसका लॉस हो जाता है तो पर्सन कैन नॉट सर्वाइव ओके सो ब्लड को सर्कुलेट करने का काम कौन कर रहा है हार्ट आपको हार्ट के ऊपर भी पूरा पूरा एक क्वेश्चन आ सकता है राइट right, ये हार्ट जो है वो कितना कैसा बना हुआ है तो उसके अंदर फोर चैम्बर है द अपर टू चैम्बर आर कॉल एट्रिया प्लीज रिमेंबर एट्रियम ओके सिंगल को और एट्रिया एंड लोअर चैम्बर इज कॉल्ड वेंट्रिकल सो टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि ये जो चारों चार ऑरिकल चार और वेंट्रिकल है उनकी जो वॉल बनी हुई है उसमें वेंट्रिकल की वॉल ठीक है सो वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज थर देन एट्रिया अब सवाल आता है क्यों वाई बिकॉस है ना जब भी बिकॉज आता है दैर फोर आता है यू हैव टू टेक केयर क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं ओके okay, थोड़ा डिफरेंट है सो वाई द वॉल ऑफ वेंट्रिकल सुनना वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज थर देन वॉल ऑफ एट्रिया वाई बिकॉज जो वेंट्रिकल होता है वो फोर्सफुली ब्लड को पूरे ऑर्गन्स में बॉडी के हर ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है तो वहाँ फोर्सफुली जो है ब्लड पंप आउट होता है इसलिए उसकी बॉल थिक होती है सुना किसकी बॉल वेंट्रिकल की बॉल किससे थिकर है से क्यों थिकर है बिकॉज देर इज द फोर्सफुली द ब्लड इज सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी राइट एंड लेफ्ट चेम्बर्स यस ये चारों चैम्बर्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं और जो सेपरेट होता है किससे सेपरेट होता है सेप्टम से प्लीज रिमेंबर ये हर वर्ड्स को आपको याद रखना है सेप्टम क्या है राइट right. एट्रिया क्या है राइट सो ऑल फोर चेंबर्स राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स आर सेपरेट बाय सेप्टम एंड इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लीज़ कीप इन माइंड हमेशा हार्ट के लेफ्ट साइड में एल में प्योर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे रहेगा लेफ्ट साइड में और डी ऑक्सीजन कहाँ रहता है राइट साइड में ये मिस्टेक हो सकती है इसलिए ये मिक्स ना हो इसलिए इनके पी बीच में राइट और लेफ्ट जो है उनके बीच में क्या है सेप्टम है, है ना तो दे आर सेपरेटेड बाई द सेप्ट कैन नॉट बी इंटरमिक्स राइट आगे बढ़ते हैं एंड वेंट्रिकल है ध्यान रखना एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या है वाल्वस है बिटवीन डैम टू प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड और यह वाल्व क्या करता है जो ब्लड को ओके बैक प्रिवेंट करता है ओके okay, वापस बैक चलाना जाए क्योंकि ऑरिकल में जब ब्लड आएगा ना तो ऑरिकल का ब्लड कहाँ आता है वेंट्रिकल में और फिर वेंट्रिकल जो पंपिंग करेगा मतलब जो है तो वो ब्लड जाएगा थ्रू दी पलमोनरी आर्टरी के थ्रू ओके okay, तो वो ब्लड वापस बैक ना आ जाए इसलिए इनके बीच में वाल्वस होते हैं टोटल ध्यान रखना यहाँ पे दो टोटल फोर वाल्वस होते हैं टू एक होता है बाइक स्पीड वाल्व और दूसरा है ट्राइक स्पीड वाल है ना बाइक स्पीड वाल और ट्राइक स्पीड वाल बाइक स्पीड वाल जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है तो आप एल बी डब्ल्यू भी याद रख सकते हैं शॉर्ट में एल बी डब्ल्यू एल बी वी को याद करो लेफ्ट में बाइक स्पीड वाल है और राइट में ट्राइक स्पीड वाल है राइट राइट में मतलब बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा बाइक स्पीड मतलब बाइक स्पीड को मिट्रल वाल भी बोलते हैं तो वो टू फ्लैप का होता है और राइट right जो है राइट right ऑरिकल और राइट right वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है दर इज़ द थ्री फ्लैपर वाल्व है तो ये दो वाल्व हुए बाकी जो वाल्व है वो जब वेंट्रिकल का ब्लड जाएगा जो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्योर ब्लड जो एयरडा में जाता है तो वहाँ पे एक वाल्व है और जो राइट ऑरिकल वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो लंग्स में जाएगा तो वहाँ पे जो है वो पलमुंद्री वाल्व है ये जो वाल्व होते हैं वो सेमी ल्यूनार वाल्व है तो टोटल फोर वाल्व लेफ्ट में कौन सा बाइक स्पीड वाल्व राइट साइड में ट्राइक स्पीड वाल्व और दो जो है वो दो सेमी ल्यूनार वाल्व है हा अलग अलग जो है एनिमल्स में हार्ट के शेप अलग अलग रहते हैं चैंबर जैसे मेमल्स और बर्ड्स इनके अंदर फोर चेंबर का हार्ट होता है है ना इनके हार्ट के अंदर फोर चेंबर है क्यों फोर चेंबर है उसमें लेफ्ट एंड राइट साइड में सेपरेट बाय सेप्टम यहाँ पे राइट और लेफ्ट के अंदर मतलब ऑल फोर चैम्बर आर सेपरेटेड बाय द सेप्टम इससे क्या होता है कि ऑक्सीजेटेड ब्लड रिमेन इन द लेफ्ट साइड एंड डी ऑक्सीजेट ब्लड रिमेन इन द राइट साइड तो यहाँ मिक्स होगा नहीं इसलिए मिक्स नहीं होगा तो ऑक्सीजन वाला ब्लड सफिशेंटली हर सेल को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सेल्स को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है क्योंकि हम जो हैं मेमल्स में आते हैं और दूसरे जो मेमल्स हैं और बर्ड्स हैं डे मोर एनर्जी ओके एंड दैट्स दैट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू द मोर सप्लाई या वी कैन से इफ़िशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू दी द ब्लड कैन नॉट बी मिक्स सो यहाँ पे ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है फोर चैम्बर अलग अलग है सो दे नीड मोर एनर्जी सो मेनटेन देअर बॉडी टेम्परेचर इसलिए और ऐसे जो एनिमल हैं इनको हम होम्योथर्मल भी बोलते हैं मतलब हम लोगों को मेमल्स को और बर्ड्स को ठंडी या गर्मी में ओके अपने बॉडी टेम्परेचर को हम मैंटेन कर सकते हैं इसलिए इनकी अपने अंदर हाइबरनेसर और एस्टिवेशन देखने नहीं मिलता है मतलब वी कैन एडजस्ट अवर बॉडी टेम्परेचर जिरो दिस इज और ऑक्सीजनेट ब्लड बट दी एम्फीबियंस में कौन कौन आते हैं आपको पता है फ्रॉग है सालामेंडर है ओके okay, इनके अंदर एंड रेप्टाइल्स में रेप्टाइल में कौन है स्नैक है ओके okay, टर्टल uh, है ये रेप्टाइल में आते हैं इनके अंदर थ्री चैम्बर है मतलब थ्री एंड हाफ है तो थ्री चैम्बर है और यहां पे क्या होगा ओके okay, ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट और डी ब्लड मिक्स हो जाएगा ठीक है और इसलिए आ, ये अपनी जो एनर्जी है मतलब इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर मतलब हो सकती इसलिए ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते इसलिए इनको विंटर में और समर में हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाना पड़ता है मतलब दे आर कॉल्ड पोईकीलो थर्मल एनिमल्स वो थे कौन से मेमल्स और बर्ड्स में कौन से होम्योथर्मल और ये कौन से हैं पोइिलो थर्मल को ये भी कह सकते हैं हम लोग ओके कोल्ड ब्लडेड उनको वार्म ब्लडेड बोलेंगे ये कौन से हुए कोल्ड ब्लडेड प्लीज रिमेंबर इसलिए हार्ट यहाँ पे थ्री चैम्बर का है ठीक है ओके okay. नेक्स्ट फिश जो है उनके अंदर ओनली दो चैम्बर का होता है एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल ठीक है आ, आगे वाले में एम्फीबियंस रेप्टन में दो ऑरिकल थे और एक वेंट्रिकल था थ्री चैम्बर में टू ऑरिकल एंड और वन वेंट्रिकल यहाँ पे वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल है ना और यहाँ जो ब्लड है ओके इनके अंदर देखो लंग्स नहीं होते इनके अंदर ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन होता है वो कहाँ पे होता है गिल्स में यस सो दे दे ऑक्सीडेड ब्लड इन दी गिल्स सो हियर यू कैन सी नंबर ऑफ एम कैन बी जनरेटेड ठीक है पोकीलोथर्मल होम्योथर्मल हाउ मेनी चैम्बर्स आर देर राइट हाउ मेनी वाल्व्स आर देर ये सब भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं मैं अपनी नोट्स जो आगे दूंगा आपको क्वेश्चन वाइज उनके अंदर ये चीज़ें हम क्वेश्चन को देंगे ठीक है ये आपको पूरा का पूरा एक हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग चैम्बर देखते हैं तो सबसे पहले देखो ये लेफ्ट ऑरिकल है लेफ्ट ऑरिकल है ठीक है ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये राइट right ऑरिकल है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये राइट right वेंट्रिकल है ये चारों आपको याद रखना है फिर यहाँ पे देखो यहाँ ब्लड आता है है ना ऑरिकल रिसीव द ब्लड ओके ऑरिकल रिसीव द ब्लड और जो ब्लड कहाँ से आएगा तो यहाँ पे आता है जो लेफ्ट में आता है वो प्योर ब्लड आता है कहाँ से आता है लंग्स से कौन लेके आता है पलमोनरी वेंस कीप इन माइंड पलमोनरी वेंस कैरी द ब्लड फ्रॉम लंग्स ठीक है सिमिलरली यहाँ पे जो राइट right ऑरिकल है वहाँ ब्लड आ रहा है कौन लेके आता है वेना कावा प्लीज रिमेंबर यहाँ पे दो वेना कावा है सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर कावा बोथ दिस वेना कावा दे ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दैट ब्लड इज डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड सो दिस ब्लड ओके सो कीप इन माइंड लेफ्ट ऑरिकल रिसीव द प्योर ब्लड

दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज़ द बाइक स्पीड वाल और यहाँ पे आप देख सकते ट्राइक स्पीड वाल है प्लीज रिमेंबर दिस टू वाल बाइक स्पीड एंड ट्राइक विस्पीड बाइक स्पीड वॉल प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड रेफ्टेंट्रिकल ट्राइक स्पीड वॉल बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल ना वट हैपन ब्लड कम्स टू बोथ दिस द नाउ दे कॉन्ट्रैक्ट अब क्या होगा ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो यहाँ का ब्लड कहाँ जाएगा सुनो ये जो प्योर ब्लड है वो प्योर ब्लड सीधा जाएगा बॉडी के वेरियस पार्ट में है यहाँ देख सकते हैं एयरटा लिखा हुआ है और एअरटा के अलग अलग ब्रांचेस हैं और ये पूरी बॉडी में ब्लड को ले जाएंगे है ना तो यहाँ पे भी एक वाल्व है सेमी लूनर वाल्व और साथ में यहाँ का जो ब्लड था ना वो इमप्योर है डायरेक्टली डीऑक्सीडेटेड ब्लड और वो कहाँ जाएगा यहाँ से राइट वेंट्रिकल से सीधा कहाँ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी कीप इन माइंड ये आर्टरी है एक्चुअली आर्टरी कैरी प्योर ब्लड बट दिस इज द एक्सेप्शन दिस आर्ट्री इज़ एक्सेप्सनल आर्ट्री विच कैरीज़ डी ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ ले जाएगी लंग्स में क्यों ले जाएगी प्योरीफाई करने के लिए ठीक है तो इस तरह से आपको ये याद रखना है ध्यान रखना दो अपर चैम्बर फिर दो लोअर चैम्बर औरल व्रिकल औरिकल में ब्लड आता है कहाँ से ब्लड आता है फिर वो ब्लड कहाँ जाएगा वेंट्रिकल में कैसे जाएगा फिर वो वेंट्रिकल का ब्लड है वो कहाँ पर जाएगा किस में ऑक्सीजनेटेड होता है किस में डीऑक्सीनेटेड होता है कौन से वाल्व है यू शुड कीप इन माइंड तो ये डायग्राम्स को आप अपने दिमाग में सेट कर दें ठीक है टर्मिनोलॉजी याद रखें सिंपल है ओके okay? फिर आगे हम बढ़ेंगे कि कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है मेरे ख्याल से आज का काम इतना ही है आज ये आप याद चलो मैं फ्लो चार्ट भी आपको बता देता हूँ आगे का फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं तो आपको बहुत सारा इजी हो जाएगा यस फ्लो चार्ट में आप देखते हैं तो कैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे ये फ्लो चार्ट आप देख लो मैं समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा ठीक है ये फ्लो चार्ट बना के रखना आप ठीक है ये फ्लो चार्ट बना दो अच्छी तरह से और ये नीचे वाला डायग्राम जो है ना आपको दिख रहा है ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है ठीक है तो ये डायग्राम्स आप अच्छी तरह से बना दो और ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बना दो जो मैंने अभी समझाया ना आगे वाली स्लाइड में कैसे से ऑरिकल में ब्लड आता है फिर वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन है आप ड्रॉ करके रखना फिर नेक्स्ट टाइम है मैं आपको वापस कंप्लीट कर ओके कंप्लीट मतलब आपको समझा दूंगा तो आपका ये क्लियर हो जाएगा आपको मकअप करने की जरूरत नहीं है टेक्स्ट बुक में ऐसा फ्लो चार्ट नहीं है बट वी हैव टू ग्रो थ्रू दिस फ्लो चार्ट एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ओके थैंक यू इतना काम कंप्लीट करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओके एग्जाम में बार बार पूछते रहते हैं Chello, bye bye.